भगवान शिव की एक कविता है, उसमें शिव जी ने तांडव किया है तो उसका वर्णन है उस कविता में। तो ताल चौताल जो पखावज की कुछ तालें हैं, तो चौताल है, धमार है, झपताल है, सूलताल है, तो उसमें से एक ताल है चौताल, बारह मात्रे की ताल है, तो उसमें एक कविता पढ़ते हैं और फिर हम पखावज बजाएंगे, उसमें उसके बोल बजाएंगे। तो ताधागृधित धेदे धड़न्न किट तक गणपति तिट किट दगनग दगनक तदित किट तक धेता तकट ताड़ धे तगे नधा तान धा ताधा तड़धा तेरे किट धेरे किट तग तेरे किट धेता तेरे किट तगिन्न ताथे 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 तगिन्न ताथे 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 तगिन्न ताथे ताथे ताथे। ताधा कृधित धेधे धड़न्न किट तक गणपति तिट किट दगनग दगन तदित किट तक धेता तकट ताड़ धे तगिन्न धा तान धा ताधा तड़धा तेरे किट तग तेरे किट धेता तेरे किट तगिन्न ताधे 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 तगिन्न ताधे 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 तगिन्न ताधे ताधे ताधान तागिट धिकिट तागिट धिकिट तागिट धिक धान धिकिट तागिट धिक तागिट धिकिट तागिन धिकिट। धा तिट तिट तगन नगन धे तड़ान घिन्नड़ान दिगिद्दान धुम किट तक धिकट तगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तांगड़ तक तिरगट तक धिरगट दले मुंडवार शोभित है चंद्रभान धागट तक धुमकट तक डिमक डिमक डमरू बजत विघ्न हरत दारद दुख दूर कर त्रिगट तक तनन धिट खतान कतट तगन गृहंतान सारद ही करत ध्यान मुनिजन सब करत गान धाकर तक धुम कर तक धेता गजपति मृदंग बजत सुबह धाकर तक धुम कर तक धना ना 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 धा धाकर तक धुम कर तक धना ना 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 धा धाकर तक धुम कर तक धना ना 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 धा। ये पखावज बहुत ही प्राचीन हमारा वाद्य है। भगवान शिव ने इसकी उत्पत्ति की और उन्होंने गणेश जी को बताया, सिखाया। उन्होंने जो तांडव किया उसमें आपको बहुत पखावज के वर्णन मिलेंगे। हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, भगवत गीता है, रामायण है, भरतनाट्य शास्त्र है, उसमें आपको इसके अनेक नाम मिलेंगे। बहुत नाम, जैसे उनमें से कुछ नाम हैं मृदंग, मृदुल, मयंक, गौमुखा, उसके बाद बहुत बाद में आया फिर पखावज। तो ये इसके पुराने नाम हैं, जैसे मृदुल, मयंक, गौमुखा, मृदंग, पखावज। तो पखावज में से बहुत सारे पर्कसन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला, इसमें से बीच में से दो पार्ट किए, उसको ऐसे रखा तो तबला आया। तो एक वेस्टर्न आप साज देखेंगे, कॉन्गो देखते हैं, उसको ऐसे रख दीजिए तो वो पखावज का एक रूप है, कॉन्गो। और जो हमारे लाइट म्यूजिक में बहुत सारे जो पर्कसन इंस्ट्रूमेंट हैं, ढोलक है, नाल है, वो उसके बहुत बाद में वो सब साज आए। तो पहले जो जितने भी हमारे क्लासिकल म्यूजिक जो भी होता था, या भजन कीर्तन जो भी होते थे, वो पखावज पे ही बेस थे।
जैसे मंदिरों में हवेली संगीत होता था, वो क्लासिकल में वो आता है, तो वो पखावज पे ही होता था। जो पुराने हमारे मंदिर हैं अभी भी, वहाँ आप देखेंगे वहाँ पखावज ही बजाई जाती है, वहाँ अभी भी तबला नहीं बजाया जाता है। और यहाँ इसमें हम बाएं में देखिए, इसमें आटा लगाते हैं, तो इसकी जो गूंज है, इसका जो डीप साउंड है, वो आटा लगाने के बाद में आता है। इसमें आटा नहीं लगा होगा तो वो आवाज़ इसकी नहीं आएगी, ये जो उसकी आवाज़ आ रही है। हम घंटों बजाएंगे इस आटा लगा के, तो ये आटा यहाँ से हटेगा नहीं। इसमें कुछ हमने ऐसा कुछ मिलाया नहीं है कि जो इससे चिपक जाए, सिर्फ पानी और आटा होता है। हम 4 घंटे 3 घंटे बजाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो वो हटेगा, अदरवाइज वो हटेगा नहीं यहाँ से। ये एक साधना होती है बजाने की, कि कितना कितनी आवाज़ और इसको बजाना है, इसको ऐसे नहीं बजाना है, यहाँ इसको रखना है। इसके दो ही इसकी आवाज़ होती है, यहाँ बंद होता है, यहाँ खुला साउंड होता है इसका। जब दोनों हाथ से हम बजाएंगे तो उसकी आवाज आएगी धा, दूसरी इसकी आवाज होगी दिन। इसके 13 पटाक्षर होते हैं, जैसे सारे गामा पाधा निसा होते हैं, तो ऐसे इसमें 13 होते हैं शब्द। उन बोलों को लेके जितने भी बोल हम बजाते हैं उसी से उसकी रचना होती है। तो ता दी ना गा, धा तो बजता ही है, उसके बाद का, और एक ये भी ना होता है, तो तेट का ता ग दी ग न धा। तो तिट कथा गदिगिन इसका मैन जो हम बजाते हैं, जो भी परन बजाते हैं सब में वो बजाया जाता है। तो तादी थूना तिट कथा गदिगिन धा, तो ये इसकी भाषा है पखावज की। तो जो भी हम परन, जैसे हम कविता बजाते हैं, नीर भरन को चली गोप का लचक मचक गत अचक अचक, सिर गगरी डगरी यमुना की, ब्रजभाषा की है, लख नंद लाल उज की झिझ की ब्रज बाल तत्तथे तिधा ते दिखथे तिधा ते दिखथे तिधा ते दिखथे, गायन बादन और नृत्य। तो पहले गायन आया, उसके बाद बादन आया, उसके बाद नृत्य आया। तो जितने भी बादन के बोल होंगे उसमें डांस में, तो वो सब पखावज के होंगे। तो तबला तो बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। तो बादन के जितने भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पखावज की, जो डांस में की जाती हैं, तो बहुत सारे बोल जो ऐसे डांस के जो पखावज में नहीं बजते हैं, पर वो हैं सारे पखावज के बेस के बोल। तो नीर भरन को चली गोप का लचक मचक गत अचक अचक, सिर गगरी डगरी यमुना की लख नंद लाल उज की झिझ की ब्रज बाल तत्तथे तिधाते दिखथे तत्तथे तत्तथे तिधाते दिखथे तिधाते दिखथे तिधाते दिखथे तत्तथे तत्तथे तिधाते दिखथे तिधाते दिखथे तिधाते।
Gada 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 gada